बालासोर में जो हादसा हुआ, बालासोर में उस हादसे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रेलवे की तरफ से हो रही है, आपको दिखाते हैं। इस तरह की ट्रेन के देखेंगे आपको मिलेगा कि इवन एट फुल स्पीड ये ट्रेन कैप्साइज नहीं होते, इसके कोचेस जो हैं वो दे डोंट टर्न टर्टल, और इसलिए उसमें जो लोग होते हैं वो उनको कोई ज़्यादा इंजरीज नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जंबलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। मालगाड़ी बिल्कुल नहीं डिरेल हुआ क्योंकि आयरन ओर था वो, तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं, और पूरा इम्पैक्ट जो है वो इस ट्रेन के ऊपर आ गया जो कि पैसेंजर्स के साथ थी, और उसकी वजह से ये इंजरीज और अनफॉर्चुनेट डेथ्स बहुत हुई। तो ये है बैकग्राउंड इसका। इसके साथ चूंकि इसके डिब्बे बिखर गए इम्पैक्ट के वजह से, कोलिजन के वजह से सारा इधर उधर बिखरे, तो उसमें से कुछ डिब्बे जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गए, और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी, वो करीब करीब क्रॉस कर गई थी। वो तो मिसफॉर्च्यून है कि एक लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसके पीछे के दो डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए, और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी दो डिब्बे वो भी डिरेल होके, यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फेंक गए। तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो दो डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए और उसमें भी कुछ लोगों को बहुत इंजरीज हुई, कुछ डेथ्स भी हुई। सो ये हुई यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि उसमें इन्वॉल्व हो गई। उसके अलावा जो एक और मालगाड़ी दूसरी तरफ जो खड़ी हुई थी, जो हम जिसको डाउन लूप में दिखा रहे हैं, ये आपको स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, ये इस पे भी थोड़ा सा वो डिब्बों का इम्पैक्ट हुआ पर कोई खास उसमें क्षति नहीं हुई। ये पूरे एक्सीडेंट का बैकग्राउंड है। इसके बाद जो सबसे पहला काम हुआ, जो रेलवे में एक बहुत लेट डाउन प्रोसीजर है इस तरह के डिज़ास्टर्स के लिए, कि वो स्टेशन मास्टर ने तुरंत कंट्रोल को मैसेज करी, और उसके बाद हमारी जो मेडिकल रिलीफ ट्रेन होती है वो दो जगह से तुरंत चल पड़ी। 20 मिनट के अंदर वो गाड़ियाँ चल पड़ी, एक आई खुर्दा की तरफ से मतलब भुवनेश्वर की तरफ से, और एक आई खड़गपुर की तरफ से। भुवनेश्वर वाली पहले पहुँची और उसके जस्ट 10 मिनट बाद खड़गपुर वाली पहुँची। साथ में एनडीआरएफ को इन्फॉर्म कर दिया गया। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी बालासोर में स्थित थी क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन और ये सब फ्लड्स वगैरह के लिए उनकी एक टुकड़ी वहाँ पर मौजूद रहती है, उस टुकड़ी को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया। ये भी मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों की एनडीआरएफ के साथ कंटिन्यूस इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए एक्सरसाइज चलती रहती है, कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, और हम लोग बहुत सारी मॉक ड्रिल्स करते हैं। उसका ये फ़ायदा हुआ कि एनडीआरएफ की टीम जो बालासोर में मौजूद थी वो भी वहाँ से चल पड़ी तुरंत तैयार होकर, और वो भी पहुँची। जो आर्मी की भी वहाँ पे एक टुकड़ी मौजूद थी वो भी मोबिलाइज हो गई, उसको इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, वो भी आ गई। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ थी, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डीएम एंड हिज टीम एंड दी एसपी एंड दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीबडी रिस्पॉन्डेड। लोकल्स जो वहाँ पे थे वो तो खैर दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, वो सारे लोकल्स आ गए, एंड इमीडिएटली जितने लोगों को वहाँ से निकाला जा सकता था उनको वहाँ से नज़दीक के अस्पताल ले जाया जा सकता था, उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी थी वो लोगों ने शुरू कर दी। इट इज़ अ मेजर डिज़ास्टर, उसमें एक छोटी चीज़ नहीं है ये, एक इतनी बड़ी दुर्घटना और इतने सारे लोगों को का इन्वॉल्वमेंट था। ये सारे लोग इसमें सिर्फ इसी फोकस के साथ लगे रहे कि कैसे लोगों को की जान बचाई जाए और उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। और जो हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे पहुँच गए थे, लोकल डॉक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स पहुँच गए थे, वो फर्स्ट एड वहाँ पे करके एंड इमीडिएटली जो भी इंजर्ड थे उनके लिए जो साधन मिला, जो फर्स्ट अवेलेबल साधन मिला, उससे लोगों को मूव करना शुरू कर दिया। एम्बुलेंसेस तो उसके बाद आई, पर लोगों को इस हिसाब से निकालना और मूव करना शुरू हो गया।